मोहम्मद शमी का पत्ता काटने आया जूनियर बुमराह, डेब्यू से पहले ही मचाया बवाल। लगातार 150 की रफ्तार से फेंकता है गेंद, बड़े से बड़े बल्लेबाज भी खेलने से कांपते हैं। शमी और बुमराह की तरह तोड़ता है स्टंप्स। गौतम गंभीर जल्द कराने वाले हैं टीम में एंट्री। भारत क्रिकेट टीम में जल्दी दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज वापसी करने वाला है। इंजरी के चलते गेंदबाज टीम से बाहर चल रहा है, लेकिन अब जल्दी वापसी होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटते ही ये गेंदबाज एक बड़ा मुकाम भी हासिल कर लेगा। जसप्रीत बुमराह से भी पहले ये गेंदबाज बड़ी उपलब्धि नाम करेगा। जिस गेंदबाज की चर्चा हो रही है उसका नाम है मोहम्मद शमी। आपको बता दें कि शमी की घातक रफ्तार के आगे बड़े से बड़ा बल्लेबाज घुटने टेक चुका है। रफ्तार से ही उन्होंने सेकेंड्स में गिल्लियां उड़ा रखी है। बुमराह के साथ मिलकर शमी ने वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचाया है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद मोहम्मद शमी भारतीय टीम से दूर है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कई मैच इंजरी के बाद भी खेले थे। टूर्नामेंट के बाद उन्होंने लंदन में अपनी सर्जरी कराई और लगातार नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रही हैं। हालांकि अब जल्दी भारतीय टीम में मोहम्मद शमी को टक्कर देने वाला एक गेंदबाज आने वाला है। इस गेंदबाज ने आईपीएल 2024 में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों के घुटने टिकवाए हैं। जय शाह ने भी इस गेंदबाज पर अपनी मोहर लगाई है। मौजूदा भारतीय स्क्वाड में शमी सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन शमी अब 34 साल के हो चुके हैं, ऐसे में बार बार उन्हें इंजरी का भी सामना करना पड़ा है। इस वजह से बोर्ड अब युवा खिलाड़ियों को तैयार कर सकता है। ऐसे में शमी की जगह पर एक तेज गेंदबाज को मौका मिलने की उम्मीद है। हम बात कर रहे हैं तेज गेंदबाज मयंक यादव की, जिन्हें भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। आईपीएल 2024 के दौरान खेले गए मुकाबले में मयंक ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया था। वो लगातार अपने स्पेल के दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रही थी। इस दौरान उन्होंने आईपीएल 2024 में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। उन्होंने 156.7 प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर इतिहास रचा था। वही भारतीय टीम के उनके सिलेक्शन को लेकर जय शाह ने भी कहा है कि मयंक भारतीय टीम में फिलहाल खेलेंगे नहीं, इस बात की हामियां मैं अभी नहीं भर सकता। जाहिर है मयंक चोट के कारण आईपीएल 2024 के सभी मैच में भाग नहीं ले पाए थे, लेकिन शाह का ध्यान मयंक के ऊपर जरूर होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए मयंक यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। केवल 20 लाख के इस गेंदबाज ने 4 मैच खेलते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने 6.99 की इकोनॉमी के साथ रन भी खर्च किए। उनकी तेज गति गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाज भी परेशान दिखे। वो दिन दूर नहीं जब मयंक यादव भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करें। आपको बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप के बाद चोटिल होने के कारण टीम इंडिया से बाहर चल रही तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में जल्द वापसी की उम्मीद की जा रही है। शमी बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू हो रही 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि शमी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने सिर्फ 7 मैचों में 24 विकेट चटकाए थे। इसके साथ ही वो कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए उनकी वापसी का हर क्रिकेट फैन और टीम को बेसब्री से इंतजार है। उनकी वापसी से भारतीय टीम और मजबूत हो जाएगी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।